तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। और आज वो डॉक्टर रणवीर वाली सनक चढ़ी हुई ना, मतलब एक इंग्रेडिएंट लेके और बाल की खाल निकालने वाली। तो ये पाइनएप्पल जो है हमारे यहाँ 4 दिन से पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैंने कहा मेरे को दो, मैं करता हूँ इस पर डॉक्टरी। तो डॉक्टरी करेंगे जी म्यूज़िक के बाद, ठीक है? कॉलिंग एंड एक्शन। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि पाइनएप्पल 4 दिन से पड़ा हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है, इसका मतलब पक चुका होगा। अगर बीच में थोड़े बहुत दाग होंगे तो हम उसके अराउंड काम करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, पहले से ही बोल रहा हूँ मैं। जब अच्छा पाइनएप्पल ढूंढें तो अच्छे पाइनएप्पल में आप ये समझें कि ये वाला जो हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा नीचे ऐसे लगा होता है तने पे। तो पाइनएप्पल जो है वो लगभग इतने ऊंचे ऊंचे झाड़ होते हैं, देखिए इतने ऊंचे झाड़, ठीक है? इतने ऊंचे झाड़ में एक सेंटर में एक स्टेम होती है, एक तना होता है, और उस तने के ऊपर पाइनएप्पल उगता है। यानी कि पेड़ों पे नहीं उगता है, झाड़ पे उगता है, मतलब छोटे छोटे श्रब्स पे उगता है। और ये तना जहाँ पे लगा होता है, इसको अगर आप दबाएंगे और बहुत ज़्यादा सूखा होगा, इसका मतलब पाइनएप्पल पुराना है। जैसे ये देखिए, इतना नया नहीं, फ्रेश कटा होगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि अभी पाइनएप्पल ताज़ा ताज़ा कटा है। दूसरा, पाइनएप्पल जब पकता है, क्योंकि तना नीचे लगा हुआ है तो पाइनएप्पल नीचे से ऊपर पकता है, इसलिए नीचे का हिस्सा हमेशा थोड़ा ज़्यादा पका होगा, ऊपर का हमेशा थोड़ा कम। अगर उसको इवनली पकाना है या आप चाहते हैं कि थोड़ा एक जैसा पक जाए, तो पाइनएप्पल को न्यूज़पेपर में लपेट के एक केले के साथ रख दीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बराबर से पक जाएगा। और पाइनएप्पल दो शेप के होते हैं, एक होता है राजा शेप, होता है रानी शेप। राजा शेप जो होती है वो ऐसे ड्रम शेप होती है, मतलब ऐसे ड्रम की शेप में होता है सब तरफ से बराबर। और रानी शेप जो होती है वैसे कोन की शेप में होती है, ठीक है? तो अब जो कोन है उसमें जाहिर सी बात है ऊपर के जो पाइन्स हैं वो छोटे होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पाइन चेक करिए, पाइन बराबर होने चाहिए तो पाइनएप्पल पका हुआ है। रानी में कभी पाइन बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज उसकी शेप ही कोनिकल है। जो राजा ड्रम पाइनएप्पल है उसके पाइन्स जब बराबर हों तो समझ लीजिए कि वो पका हुआ है। ज़्यादातर जो है रानी पाइनएप्पल इस्तेमाल होता है क्योंकि वो जूसी होता है, कभी भी जाएं तो रानी पाइनएप्पल मांगे, ठीक है? अब ये यहाँ तक की कहानी थी। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको दिखानी है, जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, जो पाइनएप्पल काटने में आपके काम आएगी, वो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये ऐसे यहाँ से पूरा घूमते हुए 21 बार ये पाइन्स घूमते हैं। और ये पाइन्स की डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप पाइनएप्पल अच्छे से काटना चाहते हैं तो। और मज़े की बात यह है कि मैथमेटिक्स में एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है, मतलब 1, फिर 1 + 0 = 1, फिर 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, ऐसे करते करते वो मैथमेटिकल सीक्वेंस में इसमें पूरे में पाइन्स होते हैं। क्या कमाल की चीज़ है ना, मतलब प्रकृति ने मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाया पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल जो है वो एक फ्रूट नहीं है, पाइनएप्पल कई सारे फ्रूट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या बट ऑलवेज रिमेंबर ये जो लाइन है ना, ये लाइन की डायरेक्शन आप पहले ही समझ लें। अच्छा पाइनएप्पल साफ करने के लिए जब आप जाते हैं मार्केट में और देखते हैं कि फटाफट से वो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लाइन की डायरेक्शन समझ में आ जाती है। देखिए ये यहाँ पे लाइन चल रही है, समझा? ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है अगर पाइनएप्पल अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि द आइज़ ऑफ द पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की जो ब्लैक आइज़ होती हैं वो भी इसी लाइन में ही रहती हैं, क्योंकि वो पाइन के अंदर होती है ना। ये क्लियर हो गया ना, ये फंडा पर सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। पाइनएप्पल जैम भी बनाएंगे हम। अभी ये ऊपर का हिस्सा जो लीफ का क्लस्टर है और ये तने वाला हिस्सा, यहाँ से पता लग जाएगा पाइनएप्पल। अरे वाह, इतना बुरा हाल नहीं है पाइनएप्पल का, देखिए बढ़िया सही हो गया एकदम। अब पाइनएप्पल को साफ करने के लिए सबसे पहले ऊपर का हिस्सा मोटा मोटी हटाना है, ठीक है? और जो नाइफ हमारी चलेगी वो देखिए, वो चलेगी ऐसे। कैसे चलेगी? ऐसे, ठीक है? तो यहाँ से शुरू किया और अब वो फिबोनाची सीक्वेंस वाली जो मैंने कहानी सुनाई थी याद रखिएगा, हाँ
क्योंकि बड़ी काम आने वाली है वो कहानी। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये कोन है तो इसको मैं कोन की शेप में चला रहा हूँ। ये देखिए, अगर ये ड्रम होता तो मैं इसको अपनी नाइफ को ड्रम की शेप में चलाता। स्पेन और पोर्चुगीज जब साउथ अमेरिका गए, वहाँ से इसको यूरोप में लेके आए। सबसे दुनिया का सबसे फेमस ट्रॉपिकल फ्रूट है ये, क्योंकि ट्रॉपिक्स में होता है, इसलिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मिनिमम वेस्टेज के साथ, उसके बाद हल्के हाथ से जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको निकाल लीजिए। अनदर थिंग इज़ पाइनएप्पल में, हाँ हल्का सा इरिटेशन होता है स्किन को, बट इमिजिएटली अगर आप पाइनएप्पल को काट के और अपने हाथ बेसन से या आटे से धो लेंगे तो वो इरिटेशन भी नहीं होगा। अभी आपको फिबोनाची सीक्वेंस साफ समझ में आएगा। देखिए एक एक पकड़ते हैं, मैं आपको गिनता हूँ और गारंटीड फिबोनाची नंबर आएगा। देखिए ए, आपको लगता है वो पाइनएप्पल वाले भैया ऐसे ही करते रहते हैं ना नाइफ लेके। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फिबोनाची नंबर, 21 फिबोनाची नंबर, 34 फिबोनाची नंबर। अभी बहुत ही सिंपल है, अभी क्या करना है, अभी आपको पकड़ना है ईदर वेज, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, और इसकी जो आईज हैं, आईज के साथ साथ में ये देखिए ये लाइन बन रही है, ये देखिए बन रही है ना लाइन, बस अब यही लाइन पकड़नी है आपको। ये देखिए आईज निकाल दी विद मिनिमम वेस्टेज, नहीं तो लोग क्या करते हैं छिलके के साथ ही बोलते हैं कौन लेगा टेंशन, आधे टाइम छिलके के साथ, और सबसे टेस्टी पार्ट होता है ये अराउंड द आईज, सी दिस। एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये खटाक 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 आंखें वाके साथ में उड़ा दीजिए इसकी बेचारे की। सिमिलरली ये रखा, ये देखिए एक एक इंच की कीमत है जी। हम लोग होटल में नहीं है ना, हम लोग घर पे हैं भैया, हिसाब लगता है, बजट होता है घर का। ये देखिए बन गया, अभी ये देखिए इंग्लिश में इसको हिलिक्स बोलते हैं, हिलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे हमारा डीएनए आरएनए, ये हिलिक्स, तो ये हिलिक्स है, फिबोनाची हिलिक्स, दुनिया का बहुत बड़ा मैथमेटिकल वंडर, और हम बेचारे को ऐसे पाइनएप्पल समझ के खुश होते थे। अभी देखिए इसमें ये नाइफ कैसे चलानी है वो समझा देता हूँ आपको। ये हर कोन जो है वो सीधा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि जब आप नाइफ चलाएंगे तो उसको सेंटर से आप बिल्कुल सेंटर की तरफ हल्का सा टेढ़ा करके नाइफ चलाएंगे ताकि वो कोन निकल आए। अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं ये तीन कोन्स के साथ, ये देखिए ये एक सेंटर की तरफ किया और फिर इसको सेंटर की तरफ किया और ये देखिए निकला, ये हो गया नाइफ का डायरेक्शन। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन ये है, जब आप छिलका निकाल रहे हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो ऐसे कर दीजिए, वो बहुत वेस्टेज होती है, मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है। एक और फास्ट तरीका ये है कि पहले आप सीधे ऐसे ऐसे एक तरफ की लाइनें खींचिए, फिर पलटिए और फिर सीधे दूसरी तरफ की लाइनें खींचिए, वो भी फास्ट तरीका है ये आइज निकालने का। अभी ये देख लीजिए आप, ये खूबसूरत हेलिक्स जो है फिबोनाची नंबर का हेलिक्स, ऐसे छीला जाता है पाइनएप्पल। तो वो जो पाइनएप्पल वाले भैया लेके लग रहे होते हैं ना खट 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 खट, और आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में, वो एक्चुअली हेलिक्स में पाइनएप्पल की आइज निकाल रहे होते हैं। अब ये जो हिस्सा है, ये आंखें जो होती है ना, ये गले में लगती हैं तो इसलिए गले में खराश होती है। ये जो हिस्सा है इसको हम जूस में यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट ये भी नहीं होगा, इसको जूस में यूज़ कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, रिडक्शन बना सकते हैं, इसको पीस के इसका जूस निकाल के मीट मैरिनेट कर सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि मीट टेंडराइज़र होते हैं, ऐसे पपीता जो है उससे गोश्त गलता है, वैसे पाइनएप्पल से भी गोश्त गलता है। तो इसको क्रश किया, क्रश करके स्ट्रेन किया और जूस से मीट को अगर मैरिनेट किया तो मीट जल्दी गल जाएगा, तो ये वेस्टेज नहीं है, यूसेज है। तो ये पाइनएप्पल अगर छीला है तो इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं है ना, तो इसकी जैम बनाते हैं, जैम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो भाई ऐसे ही हंसते खेलते अगले हफ्ते हम पाइनएप्पल जैम भी बना देंगे, उसके बाद उस जैम का फ्रेंच टोस्ट भी बनाएंगे। यानी कि हफ्ते दर हफ्ते आते रहिएगा क्योंकि पाठशाला की घंटी बज चुकी है।